swayam prabha digital india educated india namaskar आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों से संबंधित चर्चा के श्रृंखला में आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बातचीत करेंगे यह भीमराव अंबेडकर के बारे में हमारा दूसरा एपिसोड है इसके पहले हमने एक अन्य एपिसोड में अंबेडकर के जीवन उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया था और हमने जाति उन्मूलन से संबंधित उनके विचारों की पर आलोचनात्मक चर्चा की थी आज के इस आ, एपिसोड में हमारी यह कोशिश होगी कि हम अंबेडकर की कुछ अन्य विचारों पर आपका ध्यान दिलाएं, आपको उसके बारे में जानकारी दें और ये विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है अंबेडकर को समग्रता से समझने के लिए क्योंकि आम तौर पर यह माना जाता है और सही ही माना जाता है कि अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो समाज के सबसे वंचित तबके हैं उनके कल्याण के लिए काम किया उनके सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे लेकिन पिछले कई वर्षों में अंबेडकर के जो चिंतन है उसकी अन्य धाराओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा है और अब यह बात उभर कर सामने आई है और ये इस बात को और ज़्यादा लगातार मजबूती मिलती जा रही है कि अम्बेड आम्बेडकर के कार्यों में और उनके लेखन में हम समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ बिंदु पा सकते हैं तो इस रूप में हमारी जो आज की चर्चा है वह इस इन सभी पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी मैं आपके सामने आज की चर्चा की एक रूपरेखा रख देता हूं। सबसे पहले हम अंबेडकर और संवैधानिक नैतिकता के विचार के बारे में बातचीत करेंगे उसके बाद हम स्त्री अधिकारों के बारे में अंबेडकर के विचार पर ध्यान देंगे फिर हम अंबेडकर के आर्थिक विचारों पर विचार करेंगे और उसके बाद मुस्लिमों और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में अंबेडकर के विचारों पर हमारी चर्चा होगी और आखिर में हम कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं पर ध्यान देंगे अंबेडकर और संवैधानिक नैतिकता का विचार अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा है वह अंबेडकर के विचारों में काफ़ी ठोस रूप में सामने आती है पिछले एपिसोड में जो अंबेडकर से संबंधित था उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जानते भी हैं कि संविधान सभा में अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने संविधान सभा में चलने वाले बहुत सारी बहसों में समन्वय करने और उसको एक अंतिम रूप देने का काम किया वो उन बहसों में लगातार हस्तक्षेप करते थे लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात अंबेडकर अम, के इन बहसों में भागीदारी से निकली वह यह कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र की सफलता की गारंटी के लिए कुछ सूत्र भी प्रस्तुत किए यहाँ हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हालांकि भारतीय संविधान का निर्माण एक सामूहिक प्रयास के रूप में था लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों की थी उसमें डॉक्टर अम्बेडकर सबसे आगे थे और इसीलिए बिल्कुल सही तौर पर उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है अब अगर हम जो अंबेडकर के हस्तक्षेप से जो विचार सामने आए उसमें से कुछ विचारों को देखें और उस पर विचार करें तो हमें यह बात पता चलेगा कि किस तरीके से उनके विचार जो हैं वो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक आधार स्तंभ का काम कर सकते हैं और सबसे पहली बात जो अंबेडकर ने कही थी वह यह कही थी कि भले ही हम सब एक राजनीतिक लोकतंत्र बन जाएं यानी कि जो संविधान सभा जब जिस दिन संविधान को स्वीकार कर रही थी उस दिन उन्होंने कहा था लेकिन जब तक समाज में सामाजिक गैर-बराबरी रहेगी तब तक हम वास्तविक अर्थों में खुद को लोकतंत्र नहीं मान सकते हैं यानी कि वो इस बात पर जोर देना चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित होना चाहिए एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत महत्वपूर्ण है लेकिन अगर वह एक ऐसे समाज में लागू होता है जहाँ पर ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव है तो उस समाज में लोकतंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर्विरोधों से घिरा रहेगा तो उन अंतर विरोधों से अगर लोकतंत्र को निकालना है उसको एक बेहतर दिशा में ले जाना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि जो सामाजिक लोकतंत्र है उसे भी स्थापित करने की कोशिश की जाए और समाज में आर्थिक बराबरी को भी दूर किया जाए लेकिन एक अन्य विचार जो आम्बेडकर के आ, संबोधन से संविधान सभा में उनके हस्तक्षेपों से सामने आता है वह संवैधानिक नैतिकता का विचार है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का विचार है आम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर बहस शुरू करते हुए संवैधानिक नैतिकता का उल्लेख किया उन्होंने कहा था कि भारतीय भूमि स्वभावतः अप्रजातंत्रात्मक है अनडेमोक्रेटिक है और भारत में संवैधानिक नैतिकता नहीं है संवैधानिक नैतिकता पर सभा में कम ही चर्चा हुई थी लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे संविधान का श्वसन तंत्र मान रहे थे उनके अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न नागरिक वर्गों एवं प्रशासनिक समूहों के परस्पर विरोधी हितों के मध्य समन्वय स्थापित करना है और ज्यादा अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इसके तहत किसी भी तरह से जीवन यापन कर रहे विभिन्न समूहों के हितों की प्राप्ति के लिए बिना किसी टकराव के समस्या को हल करने की परिकल्पना की जाती है संवैधानिक नैतिकता विधि के शासन की स्थापना सुनिश्चित करती है समाज की विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं और आदर्शों को एक साथ लेकर चलने की कर परिकल्पना करती है एक संवैधानिक विचार के रूप में संवैधानिक नैतिकता लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है यह लोगों को ऐसी संवैधानिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग और समन्वय करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिन्हें अकेले प्राप्त नहीं किया जा सकता है संवैधानिक नैतिकता कानून का प्रयोग कर सामाजिक या सामूहिक नैतिकता को प्रभावित कर सकती है या बदल भी सकती है उदाहरण के लिए कानून की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर विधवाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया फिर धीरे धीरे समाज में इस प्रथा के प्रति लोगों की धारणा भी बदल गई संवैधानिक नैतिकता समाज में बहुलता और विविधता को महत्व प्रदान करती है यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आ, हम संवैधानिक नैतिकता पर आ, थोड़ा ठहर कर विचार करें तो हमें यह समझना होगा कि अंबेडकर हीरो वर्सिप के खिलाफ थे वो नहीं चाहते थे कि देश में एक नायक पूजा की जो प्रवृत्ति है वो जोर पकड़े इसे भी वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते थे लेकिन उससे बढ़कर उनका यह कहना था कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं और हमने एक संविधान को अपना लिया है तो ऐसे में यह प्रवृत्ति बहुत घातक है कि हम हर बात पर हर मुद्दे पर सड़क पर जाकर संघर्ष करें हर मुद्दे पर जो एक कानून व्यवस्था है उसको हम अपने हाथ में ले या कानून को तोड़ें या सत्याग्रह भी करें उनका यह कहना था कि जो संवैधानिक नैतिकता है उसमें जो लोग हैं उनका भी भरोसा होना चाहिए यानी कि संविधान जिस तरह की प्रक्रियाओं को स्थापित करता है जिन स्तरों पर जो शक्तियाँ देता है जिसको जो कार्य देता है और जो लोगों के हाथ में अपनी शिकायतों को दूर करने का साधन देता है उन्हें ही लोगों का लोगों को इस्तेमाल में लाना चाहिए यानी कि आम जनता हर बात में सड़क पर ना जाए हर बात में हंगामा ना करे हर बात में कानून का उल्लंघन ना करें बल्कि वह कानून का पालन करे संविधान की द्वारा तय की गई सीमाओं को माने संविधान द्वारा बताए गए कर्तव्यों को माने और संविधान द्वारा दिए गए रास्ते के माध्यम से ही अपने अधिकारों को हासिल करने की कोशिश करें अब इस संवैधानिक नैतिकता के साथ जो एक बात जुड़ी हुई है वह यह कि संवैधानिक नैतिकता जहाँ एक तरफ लोगों पर कई तरह के कर्तव्य और कई तरह की सीमाएँ आरोपित करती है वहीं वह शासन में बैठे हुए लोगों पर भी सीमाएं लगाती है यानी वे संविधान के द्वारा तय किए गए दायरे के भीतर काम करें यानी वे संविधान द्वारा निश्चित किए गए अपने कर्तव्यों को पूरा करें और वे कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि संविधान की भावना के अनुरूप हो यानी कि संविधान नियमों की एक रूप रूपरेखा के रूप में है और हर किसी को इसके प्रति एक सम्मान का भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए इस लिहाज से जब हम संवैधानिक नैतिकता को देखते हैं तो निश्चित रूप से यह एक ऐसे विचार के रूप में सामने आती है जो किसी भी लोकतांत्रिक राज्य को सफलता की ओर ले जा सकती है और हम देखते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वह जितना कहने में आसान है करने में वो उतनी ही मुश्किल के रूप में सामने आ सकती है और कई बार बाद में संविधान बनने के बाद अंबेडकर भी संविधान के प्रति इस बात को कह उन्होंने प्रकट किया कि संविधान अगर वास्तविक अर्थों में लागू नहीं होता है अगर लोगों के अधिकारों का दमन किया जाता है तो लोगों को अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार भी है तो इस लिहाज से जिस रूप में संवैधानिक नैतिकता है वह लोगों के कर्तव्यों को तय करती है वह शासन में बैठे लोगों के कर्तव्यों को भी तय करती है और इसके साथ ही वह समाज में बदलाव लाने का एक औजार भी होती है क्योंकि विचार विमर्श करके संवाद करके संसद के माध्यम से नए कानून बनाए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार अपने हस्तक्षेप से एक नए तरीके की कानून से की व्याख्या कर सकता है और उसके माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है लोग पिटीशन दायर करके लेखन करके और बहुत ज़रूरत पड़े तो शांतिपूर्ण रूप से अपने मांगों के पक्ष में समर्थन अपने मांगों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचा सकते हैं और उस दिशा में बदलाव किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया है कि संवैधानिक नैतिकता केवल संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरश पालन करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य पर आधारित है साथ ही यह भेदभाव के बिना समानता गरिमापूर्ण जीवन एवं पहचान तथा निष्ठा के अधिकारों से भी जुड़ी हुई है अब अगर हम इस संवैधानिक नैतिकता की बात को थोड़े संक्षेप में फिर से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जिस रूप में अंबेडकर ने इस पर जोर दिया वह अगर एक लोकतांत्रिक समाज में पूरी तरीके से अपना लिया जाए तो निश्चित रूप से वह समाज बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो संविधान जो है वह कुछ आ, अनुच्छेदों का एक ग्रंथ मात्र बनकर रह जाएगा और कई तरह की ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी कई तरह की अव्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी समाज में भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है और एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो आत्मा है वह तो मर जाए बस ढांचा खड़ा रहे इसलिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए संवैधानिक नैतिकता की जो अवधारणा है उसको अपनाना एक बेहतरीन कदम है यह एक वास्तविक रास्ता है यह भी कहा जाना चाहिए अब हम स्त्री अधिकारों के बारे में अंबेडकर के विचारों पर ध्यान देंगे भीमराव अंबेडकर अपने चिंतन में सामाजिक समस्याओं पर सोचते हुए स्त्री समस्या पर आए थे उनका मंतव्य था कि भारतीय स्त्रियों की समस्या की मूल जड़ में मनु का विधान और पितृसत्ता की क्रूर मानसिकता है अंबेडकर मानते थे कि स्त्रियों को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित रखकर ही जाति प्रथा को खड़ा किया गया और इतने लंबे समय तक यह बरकरार है अपने पहले शोध पत्र भारत में जातियाँ उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास के उन्नीसवें परिच्छेद में वे कहते हैं मेरा यह कहना गलत नहीं है कि साध्य के रूप में देखा जाए या साधन के रूप में सती आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह ऐसे रिवाज हैं जिनका प्राथमिक लक्ष्य था जाति के भीतर अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री की समस्या का समाधान करना और सजातीय विवाह को बनाए रखना इन रिवाजों को के बिना सजातीय विवाहों को बचाए नहीं रखा जा सकता था क्योंकि सजातीय विवाह के बगैर जाति एक धोखा है तो इस रूप में इन सारी परंपराओं को यानी कि सती को आजीवन वैधव्य को और बालिका विवाह को वो प्रश्नांकित करते हैं और सती होने का अर्थ यह होता था जो कि अब अब हमारे समाज से प्रथा या कुप्रथा गायब हो चुकी है कि अगर किसी महिला का पति आ, मर जाता था तो पति की चिता के साथ उसकी विधवा पत्नी को भी जला दिया जाता था कई बार उसके लिए उस महिला को अफीम भी खिला दी जाती थी पहले से तो यह एक अमानवीय प्रथा थी जो कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारतीय समाज से दूर हुई और दूसरा वैधव्य आजीवन वैधव्य का मतलब यह है कि अगर एक महिला के पति का कभी भी देहांत हो युवावस्था में आ, या फिर किसी और अवस्था में तो जब तक वह जीवित है वह किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी तो यह एक आजीवन वैधव्य की व्यवस्था और तीसरा बालिका विवाह की व्यवस्था यानी कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना इन सब के पीछे जो एक लक्ष्य था वह यह कि जाति व्यवस्था को कायम रखा जाए और क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में दूसरी जाति किस्से के साथ अगर स्त्रियां या लड़कियां या महिलाएं जाती तो इससे जाति व्यवस्था को काफी चोट पहुंचती ऐसा डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं और वो यह कहते हैं कि चूंकि सजाति विवाह ही जाति व्यवस्था के मूल में है इसलिए इस पर काफी जोर दिया गया कि स्त्रियों पर नियंत्रण रखा जाए अम्बेडकर के अनुसार स्त्री स्वतंत्रता के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में विवाह का अविच्छेद्य होना था और अविच्छेद्य से यहाँ पर मतलब ये है कि एक बार अगर एक स्त्री और पुरुष का विवाह हो गया तो वो फिर तलाक नहीं ले सकते थे और वो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर थे और अभी हमारे समाज में तलाक की जो व्यवस्था है वो है कानून के रूप में और लोग तलाक लेते भी हैं लेकिन अगर आप ध्यान दें आप छोटे शहरों में जाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में जाएँ तो अभी भी यह माना जाता है कि एक स्त्री का पति चाहे जैसा भी हो चाहे वो बुरा बर्ताव करने वाला हो चाहे वो नशा करने वाला हो चाहे वो पत्नी के साथ मारपीट करने वाला हो हर स्थिति में विवाह को कायम रखने पर जोर दिया जाता है और ये अंबेडकर मानते हैं कि मनु ने जो यह कानून बनाया उस वह कानून बनाकर उसने स्त्री स्वतंत्रता के मार्ग को सदा के लिए अवरुद्ध कर दिया क्योंकि इससे यह तय हो गया कि स्त्रियां अपनी मन मर्जी से अपने मन के हिसाब से कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं और उन्हें ताउ्र हर स्थिति में हर परिस्थिति में एक व्यक्ति जो कि उसका पति उसके साथ बंध कर रहना है अंबेडकर मानते थे कि इस प्रकार का कानून स्त्री की गुलामी का कारण बना और उसका जीवन इस बंधन में यातनागाह बन गया स्त्री के स्वतंत्र ना होने का खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि समाज सैकड़ों साल पीछे चला गया अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज के विकास की कसौटी का पैमाना उस समाज की स्त्री प्रगति पर निर्भर करता है वे मानते थे कि किसी भी समुदाय की प्रगति इस बात से आँकी जा सकती है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है अंबेडकर यह भी मानते थे कि, कि किसी स्त्री को ऐसे पुरुष के साथ नहीं रहना चाहिए जो स्त्री गरिमा को ठेस पहुँचाए या फिर स्त्री का सम्मान न करे वे लिखते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर लड़की जो शादी करती है अपने पति के साथ अपने पति से मित्रता और बराबरी के रिश्ते को कायम रखे और उसकी दासी ना बने और एक लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि यह बहुत सारे नारीवादियों के लेखन में आए विचारों के अनुरूप ही है और इन नारीवादी लेखिकाओं ने बार बार इस चीज़ को रेखांकित किया कि जो स्त्रियां हैं जो लड़कियां हैं वह अपने पति के साथ मित्रतापूर्ण विवाह रखें यानी कि वो उनके दाशी के रूप में ना रहें और अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को रेखांकित किया है और वो यह कहते हैं कि इस पूरी परिस्थिति में जब तक स्त्री के पास या लड़कियों के पास यह स्वतंत्रता नहीं होगी कि वो विवाह को अविच्छेद्य ना माने अगर कोई ऐसे व्यक्ति से उनका विवाह हो जाता है जो स्त्रियों की इज्जत नहीं करता सम्मान उन्हें नहीं देता है उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वो विवाह तोड़कर दूसरी साथी की तरफ आगे बढ़ें या फिर वो अपने जीवन को जैसे जीना चाहती हैं वैसे जिए लेकिन अंबेडकर का जो मुख्य तर्क है वो यही कि मनु ने इन सब अपने नियमों के माध्यम से इन सब स्वतंत्रताओं को अवरुद्ध कर दिया हालांकि हम सब जानते हैं कि जो भारत का संविधान है और भारतीय कानून प्रणाली है वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों को अब इस तरह का अधिकार देती है तो एक तरीके से अम्बेडकर स्त्रियों के सामने लड़कियों के सामने एक आदर्श रखते हैं और उसके साथ ही वह मनु के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को भी स्त्रियों के स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हुए उसकी आलोचना करते हैं अम्बेडकर का एक बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने स्त्री अधिकारों के लिए एक बिल प्रस्तुत किया था अम्बेडकर ने स्त्री स्वतंत्रता और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हिंदू बिल का कार्य अपने हाथों में लिया था उन्होंने हिंदू बिल द्वारा स्त्री मुक्ति के सदियों से बंद चले आ रहे दरवाजों पर प्रहार कर स्त्री अधिकारों का रास्ता साफ कर दिया इस बिल में स्त्री के वे सभी अधिकार नहीं थे जिनसे स्त्रियां अब तक वंचित थीं। इस बिल में स्त्री के अधिकारों की गारंटी इस रूप में थी कि स्त्री को अपने पिता के संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार और पति से तलाक लेने का अधिकार था इतना ही नहीं इस बिल में यह भी निहित था कि स्त्रियां शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर जा सकती हैं वे इस बिल के द्वारा स्त्री मुक्ति और उसकी स्वतंत्रता का स्वप्न लेकर आए थे अम्बेडकर ने स्त्री अधिकारों का मसौदा हिंदू कोड बिल के रूप में तैयार कर 5 फरवरी उन्नीस को लोकसभा में प्रस्तुत किया इस समय वो कानून मंत्री थे नेहरू की अंतरिम सरकार में इस बिल को प्रस्तुत करते ही इसका पुरजोर विरोध हुआ कुछ लोगों ने इस बिल को हिंदू संस्कारों पर कुठाराघात के रूप में देखा तो कुछ ने इसे पितृसत्ता की जड़ों को कमजोर करने वाला बताया हिंदू संस्कारों पर कुठाराघात से तात्पर्य यहाँ पर यह था कि एक जो बनी बनाई व्यवस्था थी जिसमें कि स्त्री का विवाह हो जाता है तो ये माना जाता है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला हो चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता है तो अगर कोई इसे बदलने की बात करता है तो वह बुरी बात थी उसी तरीके से संपत्ति अधिकारों के मामले में भी अब भी समाज में प्रचलन है और उस समय यह प्रचलन और ज़्यादा था कि जो महिलाएं हैं जब उनका विवाह हो जाता है तो पिता की संपत्ति से उनका अधिकार एक तरीके से खत्म मान लिया जाता था वो अपने ससुराल में जाती थी और पति की जो संपत्ति होती थी उसी में उनको संतोष करना पड़ता था तो इन दोनों चीज़ों को बदलने की कोशिश अम्बेडकर ने अपनी हिंदू कोट बिल के माध्यम से की और इस बिल का विरोध सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विभिन्न नेताओं और संगठनों के द्वारा किया जा रहा था स्त्री विरोधी और के पोषक पैरोकार इस बिल को लेकर अंबेडकर का विरोध कर रहे थे लेकिन वह बड़ी निर्भीकता के साथ स्त्री मुक्ति की लड़ाई लड़ते रहे इस बिल का विरोध करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक थे उन्होंने यह कहा कि हिंदू कोड बिल की वजह से हिंदू संस्कृति के भव्य रचना का विनाश होगा और जिस गतिमान और उदार जीवन पद्धति ने अनेक शताब्दियों में विश्वकारी रीति से जो उचित परिवर्तन स्वीकार किए उस जीवन पद्धति का विघटन होगा एक लिहाज से श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात की ओर भी इशारा कर रहे थे कि एक शताब्दियों में हिंदू जीवन में कई तरह के बदलाव हुए और हिंदुओं ने उस बदलाव को स्वीकार किया तो उनका इशारा इस ओर भी था कि यह बदलाव जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल के रूप में लाया जा रहा है वह बहुत ज़्यादा रेडिकल है और वह इतना ज़्यादा रेडिकल है कि उससे हिंदू जीवन पद्धति का विघटन हो सकता है हिंदू कोड बिल को लेकर तत्कालीन नेताओं और धर्म के ठेकेदारों ने समाज में कई तरह के भ्रम फैलाए जैसे यह कहा गया कि यह परिवार को तोड़ने वाला है और भारतीय मूल्यों के अनुकूल नहीं है परिवार को तोड़ने वाला इसलिए माना गया क्योंकि स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिया गया और भारतीय मूल्यों के अनुकूल इसलिए माना गया क्योंकि एक तरफ अगर तलाक का अधिकार मिल जाएगा तो यह डर बैठा कि हर स्त्री अपने अधिकारों की मांग करेगी और वो तलाक ले लेगी और भारतीय मूल्यों के अनुकूल नहीं मानने का अर्थ यह है कि जो ये नया कानून बनेगा वह परिवार के पारंपरिक मूल्यों और परिवार की पारंपरिक व्यवस्था जो उस समय समाज में कायम थी विशेष रूप से हिंदू समाज में वह उसके अनुकूल नहीं था इसको लेकर काफ़ी आलोचना की गई अंबेडकर की यह भी कुप्रचार किया गया कि कोई भी स्त्री अपने पिता भाई को मारकर उसकी संपत्ति ले सकती है और किसी भी समय कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर जा सकती है इस बिल का संविधान सभा में काफ़ी विरोध होने पर होने से नेहरू हिम्मत हार गए उन्होंने स्थिति को भापते हुए यह कहा कि विवाह और तलाक हिंदू कोड बिल के अलग विभाग माने जाएं। अंबेडकर की तमाम कोशिशों के बाद भी हिंदू कोड बिल का महत्वपूर्ण हिस्सा विवाह संपत्ति और तलाक संबंधी कानून पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका हिंदू कोड बिल पारित न होने पर अंबेडकर ने अत्यंत दुखी होते हुए यह कहा था कि स्त्री अधिकारों वाले इस बिल को मार डाला गया और दफन कर दिया गया लेकिन कोई रोने वाला नहीं था कहने का अर्थ यह कि इस सदन इस दिन स्त्री अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की हत्या कर दी गई उन्होंने स्त्री मुक्ति के लिए कुर्बानी देते हुए 27 सितंबर 1959 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था इस पूरे घटनाक्रम में अंबेडकर एक ऐसे दूरदर्शी चिंतक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने यह माना कि हिंदू समाज में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता है उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कई सारे जो ऐसे तत्व हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो असल में स्त्रियों की समान स्थिति के समर्थक नहीं हैं और लेकिन जब उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला क्योंकि हिंदू समाज या फिर जो संसद था जो कि उस समय संविधान सभा के रूप में काम के रूप में भी काम कर रहा था क्योंकि पहला चुनाव उन्नीस में हुआ तो वहाँ पर उनको पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और इससे क्षुभ्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू भी उनके पक्ष में खुलकर सामने नहीं है हालांकि यह भी सच है कि बाद के दौर में नेहरू ने टुकड़े अलग अलग कानूनों के रूप में हिंदू कोड बिल में निहित बातों को आने वाले वर्षों में संसद से पारित करवाया तो यहां हम यह ध्यान में रखें कि अंबेडकर जिन्हें आमतौर पर दलितों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के रूप में लोकतंत्र की सफलता की गारंटी देने वाले अवधारणा को प्रस्तुत किया और इसके साथ ही उन्होंने स्त्री अधिकारों के लिए जोरदार संघर्ष किया और जिन स्त्रियों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे वो सिर्फ दलित स्त्रियां नहीं थीं बल्कि वो तमाम हिंदू समाज से जुड़ी हुई स्त्रियां थीं और वो चाहते थे कि स्त्रियों को स्वतंत्रता मिले वे अपने अधिकारों के साथ एक सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएं और इसके लिए उन्होंने कोशिश की और आखिरकार उन्होंने इसके लिए इस्तीफा भी दिया हम अंबेडकर के आर्थिक विचारों पर एक नजर डालते हैं अंबेडकरवादियों के बीच समाजवाद और पूंजीवाद के संदर्भ में अंबेडकर की व्याख्या को लेकर भी काफी विवाद रहा है सुखदेव थोराट और आनंद तेलतुम्बडे जैसे दलित चिंतकों ने इस बात पर बल दिया है कि अंबेडकर समाजवादियों की नीति के निकट थे तेलतुम्बडे यह तर्क देते हैं कि उनकी यानी कि अंबेडकर के कम्युनिस्ट आंदोलन और दर्शन में गहरी रुचि थी क्योंकि यह मानते थे कि यह शोषितों की मुक्ति पर केंद्रित है या उनके सार्वजनिक जीवन के आरंभ से लेकर आखिरी दिनों की घटना से स्पष्ट है अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने एक व्याख्यान दिया था जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्ध की तुलना की थी हालांकि यह भी सच है कि उन्हें मार्क्सवाद के कुछ सैद्धांतिक सूत्रों को अपनाने से गहरी आपत्ति थी इसी कारण वे मार्क्सवाद में गहरी रुचि नहीं ले पाए और यहां पर जो मार्क्सवाद से उनकी आपत्ति थी वो यह भी थी कि मार्क्सवाद में खासतौर पर जो भारतीय मार्क्सवादी थे उनका जो आचरण था वह जाति की समस्या से आंख मूंद लेने वाला था वो जाति की समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे और अंबेडकर इसीलिए भारतीय कम्युनिस्टों को कुछ ब्राह्मणों के क्लब के रूप में ही लगातार देखते और प्रस्तुत करते रह पाए और और उनके लिए जाति जो थी जो कम्युनिस्ट थे अंबेडकर के समय में भी वो पूरी तरीके से सुपर स्ट्रक्चर और बेस के आधार पर अपनी अवधारणाओं को बना रहे थे बेस जो था वो आर्थिक कारक था और बाकी सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर के रूप में थी तो जो जो आर्थिक संरचना है उसके आधार पर पूरे समाज की संरचना है और जाति भी उसका भाग है तो इसके कारण से जाति की का जो दंश है जाति के कारण जो अत्याचार हो रहा था जाति के कारण जो समाज में विषमता फैली हुई थी जो छुआछूत था उसका उसको एक अलग कारक के रूप में कम्युनिस्टों ने स्वीकार नहीं किया बहुत बाद के दौर में कम्युनिस्टों ने इस विषय पर अलग तरीके से विचार किया उन समय यह माना जाता था कि मोटे तौर पर जो आर्थिक कारक हैं जो आर्थिक विषमता है आर्थिक शोषण है उसके कारणों को अगर हम खत्म कर दें तो कॉम्युनिस्ट यह मानते थे कि जाति को भी खत्म किया जा सकता है और कुछ हद तक मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जो राइटिंग्स हैं जो उनका लेखन है उसको भी इसी तरीके से प्रस्तुत किया गया जिसमें कि बाकी सारे कारकों को कमतर माना गया और उसके बाद जब सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी ने एक खास तरीके से मार्क्सवाद को आगे बढ़ाया तो यह विचार काफ़ी गहरे स्तर तक रूढ़ हो गया और जो एक संभावना मार्क्स के अलग तरीके से पढ़ने की बची हुई थी वो काफ़ी हद तक धुंधली हो गई हालांकि बाद में इन सारी स्थितियों में बदलाव आया लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर मार्क्स और की बात करते हुए उन्हें पढ़ने के बावजूद अम्बेडकर पूरी तरीके से कम्युनिस्टों खासतौर पर भारतीय कम्युनिस्टों से अपने आप को क्यों नहीं जोड़ पाए और इसका कारण वही है जिसका वर्णन मैंने अभी किया अंबेडकर की समाजवादी सोच को रेखांकित करने के लिए अमूमन विद्वान उनके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के निर्माण और उसे श्रमिक वर्ग की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने की घटना का वर्णन करते हैं अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था और उसे श्रमिक वर्ग की पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया था इसके साथ ही इस संदर्भ में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ उनकी जो उन्नीस में लिखी हुई कृति है उसमें उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को उद्धृत किया जाता है इसमें अंबेडकर ने इस बात पर विचार किया कि दलितों के आर्थिक शोषण को रोकने के उपाय क्या हैं उन्होंने भूमि का राष्ट्रीयकरण करके इसे हर किसी में वितरित करने की वकालत की उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा और बीमा के राष्ट्रीयकरण पर भी जोर दिया इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा और विधायिका में आरक्षण पर बल दिया वे मानते थे कि आर्थिक समानता आने पर उच्चतर जातियों की भेदभाव करने की क्षमता खत्म हो जाएगी लेकिन इससे उनकी सामाजिक सत्ता खत्म नहीं होगी इसलिए उन्होंने भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के रूप में नौकरियों शिक्षा और विधायिका में आरक्षण पर बल दिया तो ये एक मॉडल है और ये एक रीडिंग है मार्क्स की कि वो एक समाजवाद से जुड़े हुए विचारों के समर्थक के रूप में सामने आते हैं लेकिन दूसरी ओर चंद्रभान प्रसाद जैसे विद्वान हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि उन्नीस सौ में आम्बेडकर ने पहले संसदीय चुनावों के लिए अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का घोषणा पत्र तैयार किया था और यह उन्नीस के पहले जो उनके विचार थे उसमें बदलाव को दिखाता है इस घोषणा पत्र में डॉक्टर अंबेडकर यह कहते हैं कि पार्टी की नीति साम्यवाद या समाजवाद गांधीवाद या किसी अन्यवाद जैसी विचारधारा या कट्टर मत से बंधी हुई नहीं है इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जहाँ किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण मुमकिन और संभव होगा उसे शेड्यूल कास्ट कास्ट फेडरेशन अपना समर्थन देगी जहाँ निजी उद्यम संभव है और राष्ट्रीयकरण आवश्यक नहीं है वहाँ निजी उद्यमों को अनुमति दी जाएगी चंद्रभान प्रसाद के अनुसार उन्नीस का घोषणा पत्र पढ़ने के बाद मैंने अपने विचारों में संशोधन किया वो ये भी कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारे बुद्धिजीवी और नेता अभी भी 1940 के दशक के राज्य समाजवाद के विचारों से जुड़े हुए हैं प्रसाद यह मानते हैं कि वैश्वीकरण और पूंजी ने दलितों के लिए एक अवसर उत्पन्न किया है और ये अवसर यह है और कुछ हद तक वो कहते हैं कि अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि दलित गाँवों के शोषण से भरे माहौल से बाहर निकल कर अपने उद्यम के माध्यम से सफलता हासिल करें वे इस बात पर बल देते हैं कि जाति और पूंजीवाद एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं दलित पूंजीवाद जल्दी जाति को एक पुराना किला एक अतीत की वस्तु में तब्दील कर देगा हालांकि दूसरे कई चिंतक मिसाल के तौर पर गोपाल गुरु इसे अंबेडकर की एक गलत रीडिंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं अब अगर हम अंबेडकर के विचारों में इस पूरी चर्चा को देखें तो उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ होती हैं वह यह कि अंबेडकर के विचारों में अलग अलग स्वरूप दिखता है समाजवादी नीतियों और विकास की नीतियों को लेकर एक तरफ स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में वो एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं जहाँ पर आरक्षण है जहाँ पर जमीन और कई उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात है वहीं दूसरी तरफ उन्नीस सौ में तैयार किए गए घोषणा पत्र में वह एक ऐसी व्यवस्था की तरफदारी करते हैं जो काफ़ी हद तक प्रैग्मेटिक होगी जरूरत के हिसाब से जिसमें बदलाव हो सकता है जिसमें वो कहते हैं कि जहाँ जरूरत होगी वहाँ राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जहाँ जरूरत होगी वहाँ निजी क्षेत्र को मौका दिया जाएगा तो वो अपने आप को एक ऐसे चिंतक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो आम लोगों और विशेष रूप से दलितों की भलाई के लिए जो मॉडल आकर्षक है उसको अपनाने के लिए तैयार है लेकिन एक बात जरूर है इस पूरे वाद विवाद में कि जो अंबेडकर हैं वो खुले रूप में एक कैपिटलिज्म के समर्थक के रूप में सामने नहीं आते हैं हाँ वह यह जरूर कहते हैं कि जहाँ इससे दलितों को लाभ हो सकता है वो इस दिशा में जा सकते हैं लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर की जो गांव की जो अवधारणा थी और उनकी जो विकास के बारे में अवधारणा थी कि एक समाज आर्थिक विकास कैसे कर सकता है वह गांधी के विचारों से काफ़ी अलग है जहाँ गांधी के लेखन में एक आदर्श गांव और गांव स्वराज्य की कल्पना है लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं वो उत्पादन कर रहे हैं जिससे कि उनकी सारी जरूरतें या तकरीबन सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं वो आपस में मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं वहीं अम्बेडकर जिस रूप में गाँवों को देखते हैं वह एक ऐसे स्थान के रूप में सामने आता है जहाँ पर सारे संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है और जो समाज के सबसे वंचित तबके हैं जो दलित हैं वो गांव के किनारे या गांव के बाहर रह रहे हैं उनके पास कोई संसाधन नहीं है उनके साथ लगातार भेदभाव भरा बर्ताव किया जाता है उनके साथ छुआछूत बरता जाता है और वो इस बात का भी समर्थन करते हैं कि दलितों को गांवों से शहरों की तरफ आना चाहिए जहां वो जाति के इस लगातार और नियमित दंश से बच सकते हैं और ये तो एक पहलू है जो कि गांधी से अलग है दूसरा कि गांधी का भरोसा कुटिर उद्योगों में था छोटे छोटे उद्योग हों गाँव आधारित उद्योग हों वहाँ पर उत्पादन हो और उस उत्पादन के माध्यम से एक ऐसी स्थिति बने जिससे कि गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। आ, लेकिन अंबेडकर जो हैं वो काफ़ी हद तक नेहरू की तरह ही आधुनिकता और आधुनिक तकनीक के समर्थक के रूप में नजर आते हैं और वो भी यह एक ऐसी रूपरेखा में भरोसा करते हैं जिसमें अर्बनाइजेशन या शहरीकरण के द्वारा बड़े तकनीक के के प्रयोग के द्वारा जहाँ भी जरूरी है वहाँ बड़े बड़े बांधों को बनाकर बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करके एक बेहतरीन विकास की संकल्पना में भरोसा करते हैं तो अंबेडकर का भरोसा कुटीर उद्योगों से ज़्यादा एक विकास के राज्य द्वारा नियंत्रित मॉडल पर है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हालांकि चंद्रभान प्रसाद यह कहते हैं कि वो कुछ हद तक निजी क्षेत्र के लिए भी संभावनाएं देखते हैं लेकिन निश्चित रूप से वह राज्य की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं एक संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने वाले संस्था के रूप में एक ऐसे संस्था के रूप में जो आरक्षण और अन्य चीज़ों को सुनिश्चित करें तो कुल मिलाकर अंबेडकर एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जो मुख्य तौर पर कुछ राज्य नियंत्रित विकास की प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं लेकिन इसके साथ ही उनके बाद के लेखन में थोड़ा प्रेगमेटिज्म भी दिखता है कि जहां जरूरी हो वहां निजी पूंजी को भी मौका दिया जाए अगर उससे समाज के वंचित तबकों का दलित तबकों का भला होता है और इसके साथ ही आखिर में जो महत्वपूर्ण बात है कि उनका भरोसा राज्य नियंत्रित विकास पर भी है तकनीक द्वारा संचालित विकास पर है बड़ी तकनीक के उपयोग पर है उद्योग धंधों को लगाने पर है तो इस लिहाज से वो एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जिनके विचार गांधी के मॉडल से काफी अलग हैं अब हम अंबेडकर के मुस्लिमों और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में जो उनका विचार है आ, उस पर हम ध्यान देंगे अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी जिसकी काफ़ी कम चर्चा होती है थाट्स ऑन पाकिस्तान उन्नीस में यह प्रकाशित हुई और इसे उनकी काफ़ी विवादित कृति माना जाता है और यह भी बात है कि बाद में कुछ वर्षों के बाद उन्होंने इसमें कुछ अध्याय जोड़कर इसका एक नया संस्करण भी निकाला इस पुस्तक में अम्बेडकर मुख्य रूप से मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित करने के संबंध में बनी स्थितियों और संभावनाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं लेकिन इस पुस्तक में प्रस्तुत कई विचारों का हिंदू दक्षिण पंथियों द्वारा अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए भी उपयोग किया जाता है इसके आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया जाता है कि आम्बेडकर इस्लाम की कट्टरता से परिचित थे वे मुस्लिमों को भरोसा करने लायक नहीं मानते थे मसलन इस पुस्तक के कम्युनल अग्रेशन शीर्षक अध्याय में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं यहाँ अंबेडकर मुस्लिमों का इस तरह वर्णन करते हैं जिससे उनकी अत्यंत नकारात्मक छवि सामने आती है मिसाल के तौर पर उनके अनुसार मुस्लिमों के बारे में ध्यान देने वाली बात ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है उनके भीतर हिंदुओं की कमजोरी का फायदा उठाने की भावना होती है यदि हिंदू किसी चीज पर आपत्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुस्लिमों की नीति उस पर जोर देने की होती है और वे तभी मानते हैं जब हिंदू उन्हें कुछ अन्य छूटों की कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं वे गोहत्या पर मुस्लिमों के व्यवहार की आलोचना करते हैं वे लिखते हैं कि मुस्लिमों की दोहन की भावना का एक अन्य उदाहरण उनके द्वारा गोहत्या पर जोर देना और मस्जिद के सामने संगीत बजाने पर रोक लगाना है इस्लाम का कानून कुर्बानी देने के मकसद के लिए गाय की हत्या पर जोर नहीं देता है पर जब भी कोई मुसलमान हज के लिए जाता है तो मक्का और मदीना में गायों की बलि नहीं देता है लेकिन भारत में वे किसी भी अन्य जानवर की कुर्बानी से संतुष्ट नहीं होते हैं एक मुस्लिम देश में मस्जिद के सामने बिना किसी आपत्ति के संगीत बजाया जा सकता है लेकिन भारत में मुसलमान इस पर सिर्फ इसलिए जोर देते हैं क्योंकि हिंदू ऐसा करने के अपने अधिकार का दावा करते हैं इसी तरह उन्होंने मुस्लिमों की राजनीति की आलोचना करते हुए यह रेखांकित किया है कि मुस्लिमों ने राजनीति की गैंगस्टर पद्धति को अपना लिया है दंगे इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि गैंगस्टरवाद की राजनीति की रणनीति का एक अभिन्न भाग बन चुका है वे हिंदुओं की इस तरह की राजनीति को मुस्लिमों की राजनीति की प्रतिक्रिया मानते हैं यानी वे ये कहते हैं कि मुसलमान जो इस तरह के कट्टरपंथ की राजनीति अपना रहे हैं यानी कि वे जबरदस्ती गोहत्या करना चाहते हैं भारत में आके जबकि ना तो उनके धर्म में ऐसा ये अंबेडकर का कथन है और मैं सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि ना तो इस तरह की व्यवस्था कुरान में है कि आपको गाय की ही बलि देनी है और ना ही वो बाहर जाते हैं तो इस तरह हज करने जाते हैं तो ऐसी बलि देते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि भारत में हिंदुओं को चढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं इसी तरीके से वो बार बार इस चीज़ पर जोर देते हैं कि उनके मस्जिद के सामने से कोई संगीत बजाते हुए नहीं गुजर सकता है तो भाई इस बात को किसी अन्य देश में नहीं रोका जाता है ऐसा अम्बेडकर मानते हैं और भारत के मुसलमान ही इस पर जोर देते हैं उनका मुख्य रूप से कहना ये है कि एक गैंगस्टरवाद की राजनीति एक लगातार दबाव डालने की राजनीति खुद को आक्रामक रूप में प्रस्तुत करने की राजनीति आ, मुस्लिमों के द्वारा अपनाई जाती है और अगर हिंदू इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अंबेडकर हिंदू महासभा की आ, मुस्लिमों के सफाई की राजनीति को पूरी तरह नकार देते हैं मुसलमानों की यह आलोचना करने के बावजूद इस पुस्तक में अंबेडकर के अनुसार हिंदू महासभा के सरल दिमाग वाले देशभक्त यह विश्वास करते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का सफाया करने का फैसला कर लेना चाहिए ऐसा करके ही मुसलमानों को सबक सिख, सिखाया जा सकता है अंबेडकर मानते हैं कि हिंदू महासभा की योजना एकता लाने वाली नहीं है इसके विपरीत यह प्रगति के रास्ते में बाधा है हिंदू महासभा के अध्यक्ष का यह नारा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है न सिर्फ अहंकार से भरा हुआ बल्कि पूरी तरह बेतुका है हालांकि बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि अपने विचारों में इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की कमियों को अंबेडकर ने रेखांकित किया इसलिए हिंदू धर्म की उनकी आलोचना को भुलाकर सिर्फ इस्लाम की उनकी आलोचना को सामने रखना ठीक नहीं है यह अंबेडकर के विचारों को आंशिक और मनमानी रूप में प्रस्तुत करने की तरह है मैं आपका ध्यान इसको दिलाना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे थे अम्बेडकर के जीवन की और जब हम बात कर रहे थे एनिलेशन ऑफ कास्ट जिस की जिसमें कि अंबेडकर बहुत खुले रूप में कहते हैं कि हिंदू शब्द जो है या हिंदू धर्म जो है वो एक मिथक है और इस तरह का शब्द मुसलमानों ने दिया अब हिंदू खुद को हिंदू के रूप में वर्णित करते हैं उन्होंने यह कहा कि हिंदू धर्म कुछ और नहीं है बल्कि जातियों का एक समुच्चय की तरह है जिनमें आपस में कोई संवाद नहीं है जिनमें आपस में कोई लेन देन नहीं है जब दंगा होता है तब हिंदुओं को यह एहसास होता है कि वो हिंदू हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ समय के लिए एकजुट हो जाते हैं अन्यथा वह अपने ही भाई बंधुओं के साथ छुआछूत का बर्ताव करते हैं उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं और एक साथ शादी ब्याह करना तो बहुत दूर की बात है तो और इसके अलावा जब हम यह देखते हैं कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर या सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया तो वहां पर भी वह हिंदू धर्म की काफी तीखी आलोचना करते हैं और वो जो शर्तें रखते हैं जो शपथ दिलवाते हैं लोगों को जो प्रतिज्ञाएं दिलवाते हैं उसमें वो सीधे तौर पर इस बात को रेखांकित करते हैं कि जो लोग भी बौद्ध धर्म अपना रहे हैं वो हिंदू देवी देवताओं को कभी भगवान नहीं मानेंगे कभी उनकी पूजा नहीं करेंगे और भी कई तरह की बातें उसमें वो गिनाते हैं यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका यह कहना है बहुत सारे विद्वानों का यह कहना है और मेरा मानना है कि बिल्कुल सही कहना है कि जो अम्बेडकर हैं उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं के बारे में लिखा उसी तरीके से उन्होंने मुस्लिमों के बारे में भी लिखा यानी कि बहुत तीखी आलोचना की ऐसी आलोचना जिसमें सत्य का अंश भी है हालांकि हम पूरी तरीके से सत्य है या नहीं है इस पर जिद्द कर सकते हैं मिसाल के तौर पर इसी लेखन में जब वो मुसलमानों का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों की को एक समरूपी समुदाय के रूप में देखते हैं समरूपी समुदाय का मतलब है एक ऐसा समुदाय जिसमें कोई भिन्नता नहीं हो सारे मुसलमान एक जैसे हैं वो एक क्लब बनाकर एक टीम बनाकर रह रहे हैं और वो एक टीम बनाकर सभी बातों पे भरोसा करते हैं कि उनके मस्जिद के सामने कोई संगीत ना बजाए, या फिर वो गोबत करना ही चाहेंगे तो ये जो एक सामान्यकरण है वह इस लेखन में दिखता है थॉट ऑन पाकिस्तान जो उनके पुस्तक है और यही बात हिंदुओं के बारे में उनके लेखन में भी कही जा सकती है कि ये काफ़ी हद तक सामान्यकरण या जनरलाइजेशन या ओवर जनरलाइजेशन दिखता है लेकिन ये दोनों ही आलोचनाएं सत्य के कुछ अंश का प्रतिनिधित्व करती हैं तो यह कहना सही है कि अंबेडकर अति सरलीकरण का सहारा लेते हैं यह कहना भी सही है कि मुस्लिमों को एकदम एक रूप तरीके से और बिल्कुल ही नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करना सही नहीं है लेकिन इसके साथ हमें यह या याद रखना होगा कि अंबेडकर की लेखन शैली में यह बात हिंदू धर्म के लिए भी आती है तो आ, उस आधार पर हमें इसको देखना होगा और अगर उस इस पूरे लेखन में अंबेडकर जो है वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को भी प्रश्नांकित करते हैं और उनका यह कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं है यह दूसरों के साथ अत्याचार या अन्याय को बढ़ावा देगा तो इस रूप में अम्बेडकर के ये विचार जरूर आ, थोड़ी बहुत समस्यापूर्ण पूर्ण है लेकिन अगर हम इसको व्यापक फलक पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अंबेडकर ने अपने विचारों के माध्यम से एक ऐसे समाज की हकीकत को वर्णित किया है जो उस समय भारत में घट रही थी भारत का समाज उस समय उस रूप का था। हालांकि फिर भी मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें काफी हद तक अति सामान्यकरण ओवर जनरलाइजेशन का सहारा लिया गया है लेकिन क्या हम अंबेडकर के मुस्लिमों के बारे में इन विचारों के आधार पर उनको अल्पसंख्यक विरोधी कह सकते हैं अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सबसे प्रमुख सदस्य थे उन्होंने भारत सरकार के विधि मंत्री के रूप में काम किया इस लिहाज से उन्होंने नागरिकता और अधिकारों की नई संकल्पनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस भूमिका में उन्होंने अपने दृष्टिकोण की तरफदारी नहीं की बल्कि उन्होंने लोगों की सामूहिक आवाज़ को अभिव्यक्त किया पार्थ चटर्जी ने आम्बेडकर की वैचारिक यात्रा और विशेष रूप से मार्च उन्नीस के उनके ज्ञापन का विश्लेषण किया है उनके अनुसार आम्बेडकर के लेखन में अल्पसंख्यकों के सामान्य और विशिष्ट अधिकार के सिद्धांत सामने आते हैं अल्पसंख्यक अधिकारों के सामान्य सिद्धांत में चटर्जी कहते हैं कि ये निम्नलिखित पहलुओ को इसमें शामिल किया जा सकता है इन सामान्य सिद्धांतों पर बातचीत करने से पहले मैं इस बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि थाट्स ऑन पाकिस्तान के लेखन के बावजूद अपने बाद के कार्यों में डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी मुस्लिमों को नागरिक अधिकार देने का विरोध नहीं किया बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में या उनके संबोधनों में अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने की बात उभर कर सामने आती है और प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्थ चटर्जी इन्हीं पहलुओं को सामने रखते हैं तो जो अल्पसंख्यकों का सामान्य अधिकार है उसमें जो पहला बिंदु है वह यह है कि एक अल्पसंख्यक समूह जिसने राष्ट्र की चेतना हासिल कर ली है और वो की समुदाय के साथ साझा की भागीदारी करने से इनकार करता है और जिसके पास एक राज्य का निर्माण करने की भू क्षेत्रीय प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहारता है उसे अपने संवैधानिक राज्य के स्वरूप को तय करने का अधिकार है दूसरा संविधान को अपने सभी नागरिकों को नागरिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए जिसमें कि मुस्लिम भी हैं हिंदू भी हैं सिख भी हैं ईसाई भी हैं सभी वयस्कों को वोट देने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए साथ ही भेदभाव अनैच्छिक दासता और नागरिक अक्षमताओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए राज्य के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि सभी नागरिकों के समान अधिकारों को बाधित करने वाली नागरिक अक्षमताओं को हटाने के लिए संपत्ति या धर्म की संस्था में हस्तक्षेप करें तीसरा जो अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के साथ एक ही संवैधानिक व्यवस्था में रहने की सहमति देता है उसे बहुमत के भेदभाव से कानूनी सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए चौथा इसके अतिरिक्त गरीब और दुर्बल अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिससे वह विधायी बहुमत के फैसले को प्रभावित करने में समर्थ हो पाए और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है क्योंकि इसका अर्थ यह भी है कि जो अगर ऐसे समुदाय हैं जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व का की व्यवस्था की जानी चाहिए मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्पसंख्यक समूह समुदाय है जिसके देश की जनसंख्या में चार प्रतिशत हिस्सेदारी है पर उस समुदाय का एक भी प्रतिनिधि लोकसभा में या राज्य विधानसभा में नहीं है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आखिर उस समुदाय के प्रतिनिधि कैसे इन संस्थाओं में आए ताकि वह विधायी बहुमत के फैसले को प्रभावित कर पाए चटर्जी लिखते हैं कि इस तरह की प्रतिनिधित्व का विशेष स्वरूप मसलन विधायिका में सीटों के आरक्षण या पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा द्वारा फैसला किया जाना चाहिए न कि इसे बहुमत द्वारा थोपा जाना चाहिए पार्थ चटर्जी अंबेडकर के अल्पसंख्यक अधिकारों के सामान्य सिद्धांत से ही विशिष्ट सिद्धांतों के प्रस्तावों को विकसित करते हैं पहला अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के विशिष्ट संवैधानिक कानूनी रूप या सरकार के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व में सत्ता के संघीय वितरण विधायी बहुमत की शक्तियाँ विशेष प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया और मात्रा जैसे प्रश्न सम्मिलित हैं यानी कि अगर एक देश लोकतांत्रिक होने का दावा करता है तो उसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट संवैधानिक कानूनी रूप बनाने चाहिए और जिसमें कि सत्ता का संघीय वितरण हो प्रतिनिधित्व मिले उन्हें विधायी बहुमत की जो शक्तियाँ हैं उसमें उनकी भी आवाज़ का महत्व हो और विशेष प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाए ये ऐसे मसले हैं जो अल्पसंख्यकों की असमर्थता या दुर्बलता की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं दूसरा इस तरह के कानूनी संवैधानिक रूपों का आकस्मिक चयन प्राथमिक रूप से खुद अल्पसंख्यक समूह पर छोड़ देना चाहिए और इसे बहुमत द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए तो एक तरीके से जो चटर्जी पूरा अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और उनके द्वारा उनके उनके मार्च उन्नीस के बाद के जो उनके विमर्श हैं उससे जिन बातों को निकालते हैं उसका मुख्य निहितार्थ यही है कि अंबेडकर एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना करते थे जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्राप्त हो और उन अल्पसंख्यक समुदायों में सभी अल्पसंख्यक समुदाय आते थे तो इस लिहाज से उनके विचार जो हैं किसी भी स्तर पर मुस्लिमों के विरोधी नहीं कहे जा सकते हैं यह बात सच है कि उन्होंने थाट्स ऑन पाकिस्तान के रूप में एक पुस्तक की रचना की यह भी बात सच है कि उस पुस्तक में कई ऐसे उदाहरण हैं जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ टिप्पणियों के रूप में सामने आते हैं और यह भी सच है कि जो भारत में दक्षिणपंथी राजनीति है हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति है उन्होंने उसने इन टिप्पणियों का उपयोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया है यानी कि वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भी उनकी तरह कुछ बातों को मानते थे और एक मुस्लिमों की एक एक फिक्स्ड पहचान जो होती है वो राजनीति में स्थापित करने की वो कोशिश करते हैं और उसमें अंबेडकर के लेखन का प्रयोग करते हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद हमें यह ध्यान रखना होगा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान अंबेडकर ने खास तरह की परिस्थिति में पाकिस्तान की मांग और जो देश की राजनीति में उथल पुथल चल रही थी और विशेष रूप से मुस्लिम लीग की राजनीति के संदर्भ में लिखा था बाद की जो उनका लेखन है उसमें वो अल्पसंख्यक अधिकारों की तरफदारी करते हैं और वो तरफदारी इस रूप में सामने आती है कि, कि किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय यह महसूस ना करें कि जो देश में शासन चल रहा है उसमें उनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है विधायिका में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है और इसके लिए वो एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की चर्चा के आखिर में हम अंबेडकर के कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन पर हम ध्यान देंगे आ, एक तो बात यह है कि आ, जो आधुनिकीकरण है और उसके माध्यम से जो बड़ी बड़ी तकनीकों का इस्तेमाल और विकास का यह मॉडल है उसकी सीमाएं बाद के दौर में सामने आईं और उसके लिए नेहरू की काफ़ी आलोचना की गई लेकिन अगर हम वैचारिक स्तर पर देखें तो इस तरह की आलोचनाएं अंबेडकर की भी की जा सकती हैं हालांकि वो किसी पद पर नहीं रहे और लेकिन उन्होंने बड़े बांधों को बनाने का काम किया था गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में और उसका उन्होंने उसके पक्ष में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था तो जो आलोचना आधुनिक विकास की पूरी पूरा जो मॉडल है बड़ी तकनीक बड़े बांध इस तरह के विकास का मॉडल जिसके कारण से आगे चलकर बड़े मात्रा में विस्थापन हुआ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा विस्थापन इतना ज़्यादा हुआ कि कई सारे लोग कई बार विस्थापित हुए इस तरह के परियोजना के कारण जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ उन सबके के कारण जो आलोचना उपजती है वह आलोचना डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर भी लागू होती है तो इस लिहाज से आ, उनका जो ये विकास संबंधी जो मॉडल है हालांकि वो जिस रूप में गांधी की आलोचना करते हैं उसमें भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है कि गाँव के भीतर बहुत ज़्यादा असमानता और अमानवीय स्थिति है लेकिन मेरा मुख्य बिंदु सिर्फ यहाँ पर यह है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर भी आ, इस तरह की सीमा देख सकते हैं कि वहाँ भी चूँकि आधुनिक तकनीक का बहुत ज़्यादा समर्थन है तो जो आधुनिक तकनीक के दुष्परिणाम हैं उसके प्रति वो पूरी तरीके से अपने लेखन में या अपने चिंतन में जागरूक नहीं थे और शायद ये कमियां बाद में उभर कर सामने आई ज़्यादा बड़े रूप में तो इसका पूरा दोष भी उन पर नहीं डाला जा सकता या नेहरू पर भी उसका उसकी आलोचना हो सकती है पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें इस बात की पूरी एक तस्दीक थी भरोसा था कि यही होगा वो एक तरीके से देश का विकास करना चाह रहे थे और उन्होंने एक खास तरह की नीति या एक खास तरह के रास्ते को अपनाया आर्थिक विचारों में स्पष्टता की कमी ये अंबेडकर अम्बेडकर की दूसरी आलोचना हो सकती है या है क्योंकि यह आलोचना इसलिए भी सामने आती है क्योंकि उनके विचारों में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव दिखता है स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में वो जिस तरह की बातें करते हैं उसके कुछ वर्षों के बाद उन्नीस सौ इक्यावन बावनवे वो विचार पूरी तरीके से बदल जाते हैं और वो बाजार की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं और इसका कारण हम यह मान सकते हैं कि उनके लिए जो दलितों की स्थिति थी वह सबसे बड़ी चिंता थी जो समाज के सबसे वंचित वर्ग थे जो अस्पृश्यता का सामना कर रहे थे जो आर्थिक रूप से भी वंचित थे और उनको गांव की व्यवस्था पर भी संदेह था तो एक समय पर वो गांव में भूमि पर दलितों को अधिकार देने की बात करते हैं लेकिन दूसरे समय पर वो शहरों की तरफ दलितों के आने पर जोर देते हैं एक समय वो राज्य की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन दूसरे स्तर पर वो निजी क्षेत्र की भूमिका को भी स्थान देने की कोशिश करते रहते हैं तो ये एक बदलाव और एक स्पष्टता की कमी डॉक्टर तो अम्बेडकर के चिंतन में रेखांकित की जा सकती है लेकिन इसका बड़ा कारण यह था कि उनकी ज़्यादा बड़ी चिंता कहीं और स्थित थी आ, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कि मुस्लिमों के बारे में उनके द्वारा व्यक्त विचारों का दुरुपयोग किया जा सकता है किया जा रहा है और यह जो दुरुपयोग है वह उसका कारण एक यह भी माना जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो उन्नीस तक इस दुनिया में रहे कभी भी उन्होंने अपने इन विचारों को पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया हालांकि संविधान सभा में उन्होंने अल्पसंख्यक के अधिकारों के बारे में बहुत मजबूत प्रस्ताव रखा तो उससे यह आलोचना भी धुंधली हो जाती है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिमों के बारे में जो उनके उन्होंने विचार व्यक्त किए थे वह उसका काफ़ी हद तक दुरुपयोग होता है क्योंकि उनके जो बाद के विचार हैं उस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये एक तरीके से जो आज की स्थिति है उसमें इस तरह की संभावना शायद हर एक चिंतक के साथ मौजूद है कि वह एक समय पर जो विचार व्यक्त करता है उसी विचार को उसके प्रमुख विचार के रूप में आगे बढ़ा दिया जाता है चौथी और आखिरी बात जो डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना या उनके विचारों की आलोचना में कही जा सकती है वह यह कि संवैधानिक नैतिकता यथा स्थिति का औजार बन सकती है यानि कि आ, कोई एक ऐसी सरकार कोई एक ऐसी व्यवस्था आ सकती है कोई एक आ, ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर सरकार में बैठे लोग हर तरह के विरोध को संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए गलत ठहरा दें वो बार बार ये कहें कि जो भी बदलाव है वो संसद की प्रक्रियाओं के द्वारा होगा संविधान ने हर एक चीज के लिए एक रास्ता तय कर दिया है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के और कानून के प्रारूपों के, के प्रावधानों के अनुसार कर रहे हैं हम आ, अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अगर हम कोई कानून पारित कर रहे हैं अगर आ, हम कोई नई नीति बना रहे हैं तो सब कुछ कानून के प्रावधानों के अनुरूप है संविधान ने आपको भी एक रास्ता दिया है आप उसके हिसाब से ही करें विरोध लेकिन उसमें यह बात भी शामिल है कि जब भी लोगों का विरोध सरकार के लिए नागवार गुजरेगा वह उसे संविधान की नैतिकता के विरुद्ध बताकर उसके खिलाफ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है तो ये खतरा है संवैधानिक नैतिकता का विचार काफ़ी आकर्षक है और यह एक बेहतर और लोकतांत्रिक समाज की दिशा में आगे बढ़ने वाला विचार है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यह खतरा भी है कि यह यथास्थिति का औजार बन सकता है और इसके माध्यम से शासन में बैठे लोग अपनी बहुत सारी नीतियों बहुत सारे कामों को सही ठहरा सकते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की कुछ बिंदुओं को जो आलोचनात्मक जब भी हम किसी चिंतक को पढ़ते हैं तो जो आलोचनात्मक बिंदु आखिर में हैं उनको मैंने आपके सामने रखा Uh, मुझे यह उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आप डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक यात्रा के कुछ आयामों को समझ पाए होंगे उन आयामों को जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की मुझे यह भी उम्मीद है कि आप डॉक्टर अंबेडकर के इन वैचारिक आयामों के बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे उनके लेखन को पढ़ेंगे और अपनी समझ को और साफ करने की कोशिश करेंगे आज की इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ हम अगले अंक में मिलेंगे और एक नए या एक अलग आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार